आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा मोबाइल ओपीडी के तहत तहसील सदर के ब्लॉक खोराबार के जंगल चवरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत बाहर से आए हुए प्रवासी श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। शिविर के दौरान ऐसे प्रवासी श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी का पूर्ति विभाग के माध्यम से राशन कार्ड भी बनवाया गया तथा राजस्व विभाग द्वारा गाँव के चकरोड, तालाब, चकनाली के विवादित मामलों का निस्तारण भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, वो जगह संक्रमण के बहुत बड़े अड्डे बन चुके हैं, बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। अब देखिए, अब चैलेंज ये आ रहा है, चुनौती ये इस बात की है कि जो व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और जो व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहे हैं, उन व्यक्तियों में लक्षण नहीं है, नजर आ रहे लक्षण नहीं मिल रहे हैं। लक्षण नहीं मिल रहे का मतलब ये है कि जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ना तो मुझे खांसी है, ना मुझे बुखार है, ना मेरे गले में दर्द है, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं अपना टेस्ट कराऊँ तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे बिना लक्षणों के जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि हो सकता है आप लोगों से जो बैठे हों उसे एक दो व्यक्ति ऐसे हों कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग वहाँ से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं, उन जगहों पर जहाँ वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग 10 दिन जिसको 10 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, अभी 14 दिन हुए हैं, वो लोग आवश्यक तौर पर घरों में रहे हैं। देखिए, एक गांव था पिपराइज में मोड़ा था, वहाँ 8 व्यक्ति पॉजिटिव हो गए उस गाँव में। एक व्यक्ति को हुआ, प्रधान जी के पिताजी थे, उनको हुआ और वो ऐसी बगैर रिपोर्ट के घूम लिए और उससे संपर्क में आए, 8 व्यक्तियों को पॉजिटिव हो गया, जिसमें एक की हालत सीरियस बनी हुई है। तो ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये फैक्ट है हमारे पास जो हम देख के आए हैं। अभी हम देख रहे हैं तो 220 केसेस हैं। अगर एक व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव होता है, उसकी वजह से गांव वालों को और गांव को कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, किसी से हम वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की ये नजाकत है, वक्त का ये डिमांड है कि हम कोरोना संक्रमण के हर उस संभावना को निरस्त करें जिससे वो संक्रमण फैल सके। तो हमें ऐसे व्यक्तियों को जो बाहर से आए हैं, जो प्रवासी हैं, जो कहीं दूर से आए हैं, कहीं किसी कारणवश किसी वजह से फंस गए थे, अब आ रहे हैं, 21 दिन तक आवश्यक तौर पर उनको होम क्वारंटाइन करना है, उनकी जाँच भी कराएंगे 21 दिन के बाद ही वो गाँव से निकले। और जब भी आप गाँव में रहते हैं, आपको पता चल जाता है और व्यक्ति बाहर से आया, तो आप उसके परिवार को उसको बताएं कि आप अपने घरों में रहो। और जैसे आप सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, ढाका डाल रखा है, देखिए अगर आपने लगा रखा है मास्क, अच्छी बात है, अगर सामने वाले ने लगा रखा तो आपके मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आपका भी, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मुझसे हम बोलते हैं तो हवा में घूमते हैं, ठीक है। तो मास्क लगाने का, गमछा लगाने का तब फायदा है कि जब दोनों व्यक्ति मास्क लगा रहे हैं, साथ में लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो अब हमें संक्रमण की संभावना ना होती। आए उसको बाहर से जो भी लोग आ रहा है ना, वो सबकी जानकारी आपको रखनी है। आप ये मान के चलिए कि बाहर से आ रहा है, उसको मान के चलिए कि पॉजिटिव, सबके बारे में आपको जानकारी रखनी है, सबके बारे में लिखना है, तो तुरंत सूचना देगी और उसको आवश्यक तौर पर 21 दिन के लिए वो होम क्वारंटाइन करें, घरों में रखना है। और लोगों को थोड़ा डराना भी है, जब घर जाती है तो लोगों को डराइए कि 21 दिन तक घरों में रहिए, अलग रखने की कोशिश कीजिए। और घर से अगर छोटा करें तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा एक कमरा अलग से है तो एक कमरे में अलग से रखें इसको, क्योंकि ये बाहर व्यक्ति बाहर से आया है और अब ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं है फिर भी पॉजिटिव निकल रहा है। जैसे ऐसे भी केस बहुत हो रहे हैं अब ना, इसमें कोई लक्षण नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव हो जा रहा है। उसको देख के लगेगा नहीं आपको कि वो पॉजिटिव है, उसको देख के लगेगा नहीं कोई भी लक्षण है, ना उसको बुखार आएगा, ना उसको गले में दर्द होगा, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा। इसलिए बाहर से कोई व्यक्ति चाहे वो स्वस्थ हो, वो ये मान के चलिए कि वो पॉजिटिव है, उसको अलग से 21 दिन के लिए उसको रखना है। गाँव में तो घूमना ही नहीं है, गाँव में बिल्कुल ना घूमें, पर आप लोगों के द्वारा ही घर घर जाकर ये चीज़ें बतानी है।
लोगों को थोड़ा डराना भी है, लोगों को डराना भी है ना इस तरीके से, क्योंकि मान के चलिए ना आप तो लक्षण वाले बहुत कम रहे। थाना खोराबार के अंतर्गत हमारा ब्लॉक खोराबार है, उसमें रामगढ़ चौहरी गांव था, आज उसमें जो हमारे मोबाइल ओपीटी लग रहे हैं उसी क्रम में आज ये 16वां गांव था जिसमें मोबाइल ओपीटी लगाया जा रहा है। मोबाइल ओपीटी के माध्यम से उस ग्रामीण के जितने भी उस गांव में जितने भी लोग बाहर से आए हैं और गांव के रहने वाले अन्य लोग जिसको कोई भी परेशानी हो वो स्वास्थ्य शिविर में आकर डॉक्टर से अपना चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं और जितनी भी दवाइयाँ PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध होती हैं वो भी हम गाँव में उपलब्ध करवा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ अन्य विभाग भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जैसे राजस्व विभाग हमारी पूरी टीम रहती है, उस गाँव में उत्पन्न होने वाले सभी राजस्व के विवाद चाहे वो पैमाइश को लेके हो, चाहे वो चकमार्क चंगनाली को लेके हो, चाहे वो तालाब के सौंदर्यीकरण को लेके हो, चाहे वो आय जाति प्रमाण पत्र को लेके हो, सभी तरीके के विवादों को वहाँ पर निपटान किया जाता है। इसके साथ साथ प्रवासी श्रमिकों के लिए जो राशन किट और आर्थिक सहायता शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है उन योजनाओं से भी उस गांव को संतृप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें व उनका समाधान भी वहां पर करवाया जा रहा है और श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रम विभाग को भी बोला गया है ताकि मनरेगा के तहत उनको कार्य उपलब्ध किया जा सके। मनरेगा के तहत तालाब सौंदर्यीकरण चकमार एवं अन्य जो विकास उन्मुखी परियोजनाएं हैं उनके लिए भूमि का आवंटन तथा उनका सीमांकन चिन्हांकन का भी कार्य किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि उस गांव से आने वाली प्रत्येक शिकायतों का निस्तारण हम गांव में ही कर पाएं। तो हमारा अच्छा फीडबैक रहा है अब तक, ये 16वां गांव था जहां पे हमने इस तरीके के शिविर लगाए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य यह है कि उस गाँव से आने वाली प्रत्येक शिकायतों को गाँव में ही हम उसका समाधान कर पाएँ और तहसील और थाने के चक्कर उनको ना लगाने पड़े। इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है, कई सारे गांव जिनमें शिविर लग चुके हैं वहां से शिकायतों का आना बंद हो गया है।